आ रही थी कि फिल्म मेकर्स और वितरकों को बड़ा नुकसान हुआ है, इसको लेकर अब लाइगर फिल्म के वितरक वारंगल श्रीनू ने एक इंटरव्यू दिया है। वारंगल श्रीनू ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने पर खुलकर बात की। इंटरव्यू के दौरान वारंगल श्रीनू ने उन रिपोर्टों पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें दावा किया गया था कि पिछले साल उन्हें 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, वहीं अब लाइगर के धराशायी होने की वजह से ये नुकसान बढ़ गया है। उन्होंने फिल्म की रिलीज से पहले अभिनेता विजय देवरकोंडा की टिप्पणी के बारे में भी बात की। फिल्म का बहिष्कार करने वाले लोगों के बारे में बोलते हुए वारंगल ने कहा कि हम गरीब क्रू सदस्यों के गरीब परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा मीडिया हाउस से हुई बातचीत के दौरान पिछले 12 महीनों में 100 करोड़ रुपए के नुकसान वाली रिपोर्ट का खंडन करते हुए वारंगल श्रीनू ने कहा नहीं, मैंने एक साल में 100 करोड़ नहीं गंवाए हैं, लेकिन मैंने बहुत सारा पैसा खो दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लाइगर की वजह से मैंने अपने निवेश का लगभग 65% खो दिया है। तो ये जानकारी दी है वारंगल श्रीनू जो लाइगर के वितरक थे। उन्होंने कहा मुझे 100 करोड़ का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैंने बहुत बड़ी रकम खो दी है जो मैंने निवेश की थी। तो लाइगर के फ्लॉप होने की वजह से वितरकों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है।